महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह ही ईडी के अधिकारियों ने नवाब मलिक के घर पर छापा मारा था, फिर कुछ दस्तावेज लेकर उन्हें दफ्तर ले जाया गया था, जहां पर उनसे 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की गई। सुबह 6 बजे ही एनसीपी नेता के घर पहुंच गए थे ईडी के अधिकारी और सुबह करीब 7:30 बजे से ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही थी। ईडी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक नवाब मलिक कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों, संपत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद फरोख्त और हवाला लेन देन के संबंध में छापेमारी की थी। ईडी ने 10 जगहों पर छापा मारा था, जिसमें 1993 बम धमाके के मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर, भाई इकबाल कास्कर और छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम कुरैशी के ठिकाने भी शामिल थे। ईडी ने पारकर के बेटे से भी इस मामले में पूछताछ की थी, जिसके बाद आज नवाब मलिक को ईडी ने अपने शिकंजे में ले लिया है। माना जा रहा है कि ईडी को छापेमारी के दौरान कथित गैरकानूनी संपत्तियों के लेनदेन से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनके संबंध यहां और दुबई में काम कर रहे भारतीय कारोबारियों से हैं। अवैध खरीद फरोख्त से जुड़े कुछ और नेता भी एजेंसी के रडार पर आ सकते हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के नवाब मलिक को पूछताछ के लिए ले जाने के बाद प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा था, नवाब मलिक एक वरिष्ठ नेता है और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं। ईडी जिस तरह से उन्हें उनके घर से लेकर गई है, वो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के सीनियर नेता है, नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है, नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जाँच हो रही है, 2024 के बाद आपकी भी जाँच होगी। CPR कंपनी गुजरात की, मिस्टर ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा था इतने साल से? हाँ, बहुत मान सम्मान के साथ नगाड़े बजा के CBI में जाते हैं और हमारे लोग जाते हैं तो CBI वाले बदनाम करते हैं। ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा है अभी भी? वो कौन सा परिवार है जो ऋषि अग्रवाल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है? और भी नाम लूँगा और मैंने बहुत ही समझदारी से मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं ये सभी खुलासे करने जा रहा हूँ, चाहे मुझे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े, मैं करूँगा, एक्सपोज करूँगा एक एक को, मैं एक एक ऑफिसर को एक्सपोज करूँगा। आप देखिए, NCP से सत्ता का दुरुपयोग और आवाज दबाने की रणनीति बता रही थी, क्योंकि हाल ही में नवाब मलिक ने कुछ लोगों के गलत कृत्य को उजागर किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी इस पर रिएक्शन सामने आया था। BJP ने कहा था कि इसे प्रतिशोध की राजनीति बताने की बजाय ईडी को अपनी जांच पूरी करने दी जाए। फिलहाल नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।